आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर आपको अभी तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से यहाँ पे लिमिट नहीं मिली तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से यहाँ से लिमिट कैसे ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे टोटल लिमिट यहाँ पे 80,000 रुपए की यहाँ पे अप्रूवल हुई है। तो आप इस लिमिट को यहाँ पे कैसे ले सकते हैं तो सारा मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो मेरे को यहाँ पे 80,000 रुपए की लिमिट मिली है और इस लिमिट को मैं ऑनलाइन भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और साथ में ऑफलाइन भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है तो पूरे यहाँ पे 80,000 रुपये की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे 80,000 रुपये की लिमिट मिली है। तो अगर आपको अभी तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से यहाँ पे लिमिट नहीं मिली तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से यहाँ पे लिमिट कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लिमिट कैसे ले सकते हैं और आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। तो जैसे ही मैं माई लोन वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से जो मैंने यहाँ पे एक मोबाइल को परचेज किया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे कि 16,759 रुपये का मैंने यहाँ पे एक मोबाइल यहाँ पे परचेज किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद मैंने एक सेकेंड मोबाइल को यहाँ पे परचेज किया था जो यहाँ पे 11,028 रुपये का मैंने यहाँ पे लिया था और जो थर्ड मोबाइल मैंने लिया था वो मैंने लिया था 19,448 रुपये का। अगर आपके पास भी कोई भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है तो आप किसी भी शॉप पे जाके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छा कार्ड है, तो समय पे अगर आप इसकी रिपेमेंट करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो भी यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी इनक्रीज देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मुझे लिमिट मिली है तो पूरे 80,000 रुपये की यहाँ पर मिली है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से लिमिट यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। तो जो इसको यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से लिमिट लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लिमिट को आपको लेने के लिए आपको किसी भी शॉप पे जाना है। तो किसी भी शॉप पे जाके आपको सिर्फ यही बोलना है कि मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे मतलब कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुझे यहाँ पे कार्ड को यहाँ पे ओपन करना है। तो जैसे ही आप उनको यहाँ पे ये बोलेंगे कि मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कार्ड को यहाँ पे ओपन करना है तो यहाँ पे तुरंत ही आपका जो पैन कार्ड आधार कार्ड को वहाँ पे फाइल को सबमिट किया जाएगा और जैसे ही आपकी फाइल यहाँ पे सबमिट होगी तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से एक हज़ार से लेके कम से कम 5 लाख या 10 लाख के तक की बीच की लिमिट आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे मिल सकती है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहा होगा तो आपकी जो लिमिट है यहाँ पे अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो जो आपको यहाँ पे लिमिट मिलेगी उस लिमिट को आप जाके ऑफलाइन किसी भी दुकान पर जाके कोई मोबाइल परचेस कर सकते हो या आप जाके इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान ले सकते हो या आपके घर में कोई भी इमरजेंसी कभी फ्रिज की जरूरत पड़ गई है या कभी एलसीडी की जरूरत पड़ गई है तो भी आप जाके इसको यहाँ पे आसान ईएमआई में कन्वर्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, उसके बाद चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 40,000 रुपये का, क्योंकि मुझे फ्लिपकार्ट पे लेटर से भी यहाँ पे लिमिट मिली है। जो मुझे फ्लिपकार्ट पे लेटर से लिमिट मिली है तो वो मुझे पूरे 40,000 रुपये की यहाँ पे मिली है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को भी यहाँ पे यूज करते हो तो इसको भी जो प्रोवाइड करता है वो करता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जो यहाँ पे जो लिमिट हमारे को मिलती है तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से ही यहाँ पे मिलती है। तो वो मुझे यहाँ पे लेटर की लिमिट भी यहाँ पे 40,000 रुपये दिखा रहा है, उसके बाद मेरे 3 लोन यहाँ पे एक्टिव है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे ईएमआई भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12 मंथ के लिए मुझे यहाँ पे ईएमआई बना था और जिसकी ईएमआई बनी थी 1,585 रुपये। तो एक अच्छी एप्लीकेशन है, अगर आपको भी यहाँ पे ईएमआई के ऊपर कोई भी ईएमआई कार्ड अभी तक नहीं मिला तो आप जाके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से ईएमआई कार्ड को यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।